हेलो फ्रेंड्स, आज हम विलेज साइड आए थे, थोड़ा काम था यहाँ पर। शाम का टाइम है, देखिए यहाँ पे कितनी हरियाली है, कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का। चारों तरफ खेती खेत हैं। यहाँ पे रास्ते में गांव वाले कुछ सब्जियाँ बेचते हैं, सस्ती दे देते हैं। अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं लेती चलूँगी घर के लिए। ये भिंडी मुझे दिख गई है और मुझे चाहिए भी थी, काफ़ी ताज़ी और अच्छी भिंडी है और सस्ती दे रहा है, 15 रुपये किलो। ये भी काफ़ी सस्ती दे रहा है ये। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ, मुझको मर्दवान चाहिए था अचार रखने के लिए कांच का, तो मैंने सोचा मार्केट होती भी चलती हूँ मैं। ये बड़ा वाला मर्दवान मैं देख रही थी, मगर बड़ा वाला उन्होंने बोला कि उसका कांच सही नहीं है, मैं छोटे ही वाले ले लेती हूँ जार। तो मैंने दो छोटे जार ले लिए हैं अचार रखने के लिए। यहाँ सामान अच्छा और सस्ता मिल जाता है तो इसलिए मैं यहीं से ले लेती हूँ, रेट सही लगा देते हैं। मैंने इनके ढक्कन भी चेक कर लिए हैं, ढक्कन भी ठीक है इनके। अब मैं आ गई हूँ इधर कॉस्मेटिक की दुकान पर, मुझको यहाँ से भी थोड़ा बहुत सामान चाहिए था कॉस्मेटिक का, तो मैंने यहाँ से ले लिया है। अब मैं घर की तरफ जा रही थी तो सोचा बच्चों के लिए कुछ ले चलती हूँ। जितने भी चीज़ घर में रखी हो, मगर बच्चे ये ज़रूर बोलते हैं कि आप कुछ ना कुछ मम्मी लेके आइएगा, इसलिए मैंने कुछ सामान उनके खाने के लिए ले लिया है। अब मैं घर आ गई हूँ, शाम का टाइम है इसलिए रेसिपी तो मैं सुबह बनाऊँगी। हाथों को मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने सैनिटाइज़ कर लिया है, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। मॉर्निंग हो गई है, धूप निकल आई है तेज, जार मैंने धूप में रख दिए हैं। अब बनाती हूँ मैं रेसिपी आज की। तो ये भिंडी है, भिंडी को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है और कपड़े से पोंछ लिया है। अब मैं इसको दो टुकड़ों में काट के बीच में से चीरा लगा दिया है मैंने। अब मैंने जार में टमाटर काट लिए हैं, अदरक लहसुन, इसको ग्राइंड कर लेंगे। इधर भिंडी मेरी कट गई है, इसके लिए चाहिए हमें मिर्ची पाउडर, अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा हींग। चलिए किचन में चलते हैं। मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई रख दी है और इसमें सरसों का तेल डाला है, थोड़ा ज़्यादा ही डाला है। अब एकदम बारीक कटा हुआ प्याज मैंने इसमें डाला है। और ये भिंडियाँ, इनको मैं फ्राई कर लूँगी, इसलिए मैंने तेल थोड़ा ज़्यादा डाला था। अब भिंडी को अच्छी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी। इसमें मैंने हल्दी डाल दी और स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक, बस ये दो चीज़ डाली हैं और नहीं। अब मैं इनको अच्छी तरह से फ्राई होने दूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। भिंडी हमारी सॉफ्ट हो गई हैं,
अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी। तेल मैंने थोड़ा कम कर दिया है, इसमें मैंने जीरा डाला है, हींग डाली है और जो टमाटर मैंने पीस लिया था, लहसुन अदरक टमाटर का पेस्ट वो डाल दिया है। इसको मैं भूनूंगी 2-3 मिनट, फिर मैं सारे मसाले डाल दूंगी इसमें। थोड़ा सा पानी डाला है ताकि मसाले जल ना जाएं। और ये है दही, इसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है, थोड़ा दही भी डाला है इसमें मैंने, इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। ये है कस्तूरी मेथी, इसमें मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कम या ज़्यादा, मैंने थोड़ी कम ग्रेवी रखी है। अब मैं इसमें फ्राई की हुई भिंडी डाल दूँगी। ग्रेवी आपको अगर ज़्यादा रखनी हो तो आप ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। अब मैं इसको ढक दूँगी 5 मिनट के लिए। ये देखिए भिंडी हमारी तैयार हो गई है। और जो मैंने इसमें कस्तूरी मेथी डाली थी उससे इसमें बहुत अच्छा स्वाद आ जाएगा। भिंडी हमारी तैयार हो गई है ग्रेवी वाली और ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। अगर ये रेसिपी आपको मेरी आज की पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।